छतरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस समय जमकर हंगामा और नारेबाजी की जब प्रभारी मंत्री बिजेंद्र सिंह राठौर जिला योजना समिति की बैठक ले रहे थे। मंत्री बिजेंद्र सिंह ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समझाया और उनकी समस्याओं के निराकरण की बात कही। जिला योजना समिति की बैठक में मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे, तभी बड़ी तादाद में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए और जबरदस्ती जिला योजना समिति की बैठक में जाने लगे। कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इस दरमियान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बाद जहां भ्रष्टाधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, वहीं विधायक कार्यकर्ताओं को अनदेखी करते हैं। भाई कमलनाथ सरकार जब से बनी है उसको एक सवा साल होने को आया है। जैसे ही सरकार बनी थी तो हम लोगों ने नवागत कलेक्टर मोहित मुंडा जी को ज्ञापन सौंपा था छात्रावासों में जो अव्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ, अगर वो चाहे तो एक साल में चमका देते छात्रावासों को, लेकिन ना तो उनकी कार्य करने की इच्छा शक्ति है और ना ही उन्होंने काम किया इस दिशा में। तो हमें पहले तो ये था कि हमें मंत्री जी के सामने उनको बतवाना था, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। दूसरा, ये अंदर की तरफ पैर जमा के जो बैठे हैं जिला शिक्षा अधिकारी जो डीओ शर्मा है, तो ये डीओ शर्मा के खिलाफ जितने भी सबूत थे कलेक्टर साहब को जब ज्ञापन सौंपा था ढोल नगाड़े लेके, तो उन्होंने कहा था कि हमारे सबूत लेके आओ। हम लोग आज जब सबूत लेकर गए हैं इसके बावजूद भी अगर वो सस्पेंड नहीं हुए तो फिर हम लोग मुंह काला करके ही मानेंगे, अभी तो बोला साफ करके देखेंगे। उपेक्षा का शिकार हो रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा करते हुए प्रशासन के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए नारेबाजी की और अपनी ही सरकार और विधायकों को कटघरे में खड़ा किया। वहीं प्रभारी मंत्री बिजेंद्र सिंह इस प्रदर्शन में नाराज दिखे और वो बैठक से बाहर आकर कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। युवक कांग्रेस के लोग हैं, उनकी कुछ परेशानियाँ भी हमने निराकरण करा है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पिछले बार जो नए हुए थे थोड़ी चर्चा हुई, आज भी चाहे वो मिलावट के खिलाफ बात हो, चाहे वो माफिया की बात हो, चाहे प्रशासनिक जो कसावट की बात है वो बात हो, जो भी मुद्दे हैं सारे मुद्दों पे सबके साथ बैठ के बढ़िया बातचीत। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।